नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि जो आप सुन रहे हैं न्यूज़ पे कि ये म्यूटेशन हुआ है, तो ये बॉर्डर बंद किया गया है, यूके का बॉर्डर, साउथ अफ्रीका बॉर्डर अब बैन हो गया है, कुछ कुछ कंट्रीज से आना जाना बैन हो गया है। तो ये सबका कारण आप सुन रहे हैं कि न्यूज़ पे कि वायरस का म्यूटेशन हुआ है। तो ये म्यूटेशन है क्या एंड कैसे होता है, एंड म्यूटेशन के वजह से COVID-19 जो डिजीज चल रहा है, तो वो कोविड-19 डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कितना डेंजर हो सकता है, एंड हम लोग और एक पैंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं, ये सब जानिए इस वीडियो में। सो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो कंटिन्यू कीजिए। गाइस, म्यूटेशन सिंपली यू कैन से चेंज। किस चीज़ का चेंज? जो एंटीजन वायरस जब बॉडी में एंटर करता है, वो एक एंटीजन छोड़ता है जो कि टॉक्सिन, आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक टॉक्सिन है हमारे बॉडी के लिए। तो वो टॉक्सिन प्रोटीन हो सकता है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब म्यूटेशन होता है, जो चेंज हो जाता है, जब चेंज होता है, तब वो स्ट्रक्चर, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो इस चेंजेस की वजह से इधर ये हो सकता है कि हमारे जो सिम्टम्स थे बिफोर COVID-19, यू कैन फॉर एग्जांपल बिफोर COVID-19 जो सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स का ज़्यादा प्रभाव हो सकता है, नहीं तो कम हो सकता है। दो कारण हो सकते हैं। एंड जैसे कि COVID-19 हमारे मेनली लंग्स को, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता था, तो ये सिम्टम्स में भी एक्सपेंड हो सकता है। मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो GIT/JIT भी करता था, वो उसका कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा बढ़ सकता है, किडनी तक जा सकता है, मतलब अब कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो चेंज हो गया है, म्यूटेट हो गया है। तो ये जो चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, आप लोग जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका में हुआ है, यूके में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, मेनली यूरोपियन कंट्री में हुआ है ये सब चेंजेस। तो अब तक 17 म्यूटेशन हो चुका है COVID-19 का। तो जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जो साउथ अफ्रीका में हुआ है जो म्यूटेशन, दोनों का स्ट्रेन अलग है, दोनों का म्यूटेशन अलग है। तो ये म्यूटेशन की वजह से हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। जितने कॉम्प्लिकेशन थे बिफोर COVID-19, तो अभी वो जो स्ट्रेन चेंज हुआ है, इसके लिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा हमारे बॉडी में, ज़्यादा डिजीज़ का सीवियरिटी बढ़ जाएगा अभी। एंड और क्या है, ये म्यूटेशन होता क्यों है, और जानते हैं कि म्यूटेशन होता क्यों है। जनरली म्यूटेशन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से होता है। वायरस में जो म्यूटेशन हुआ, एनवायरमेंटल चेंजेस, कौन से एनवायरमेंटल चेंजेस? मेनली स्मोकिंग, वेदर का चेंज, सन रेडिएशन लाइक यूवी लाइट, सो ये सब की वजह से मेनली वायरस का म्यूटेशन होता है। एंड ये अब तक जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, मेनली यूके में, आप सुने होंगे कि मेनली यूके का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ है वहाँ पर, क्योंकि यूके में जो न्यू स्ट्रेन अराइज हुआ है, जो म्यूटेशन अराइज हुआ है, वो म्यूटेशन बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है एंड उसका सीवियरिटी 70% हाई है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि अभी तक जो पहला वाला COVID-19 था, प्रीवियसली कोरोना वायरस था, वो उसका वैक्सीन अभी तक नहीं आया है। आप बोल सकते हैं क्योंकि नहीं, आप 3-4 वैक्सीन के नाम बोल सकते हैं, बट वो वैक्सीन अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि 90% केसेस में वो रिजल्ट देता है, बट अभी तक उसका 100% रिजल्ट नहीं आया है। तो अब उसका जो पहला वाला एंटीजन को देख के साइंटिस्ट और रिसर्च टीम वो वैक्सीन बनाए थे, अभी वो स्ट्रेन चेंज हो गया, तो वो वैक्सीन काम करेगा या नहीं कोई नहीं बोल सकते।
तो हम लोगों को अभी वही तीन रूल जो था, सैनिटाइजर, मास्क एंड हाइजीन, डिस्टेंस मेंटेन, ये सब हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये एक और एक पेंडेमिक का रूप ले लेगा, क्योंकि ये तेज़ी से फैल रहा है। एंड एयरपोर्ट खोल गया था, सब लोग आना जाना, मतलब फॉरेन कंट्रीज में आना जाना होता था, तो अभी हम लोग अगर थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, जैसे COVID-19 पहले पहले आया था 2020 मार्च अप्रैल महीने के बाद बोल रहा हूँ मैं, तब जैसे हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, अभी उसको उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके और एक पैंडेमिक को हम लोग रोक सकते हैं। नहीं तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपके सामने है कि कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ हमारे देश को, एंड लोगों की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी सब कुछ गिर गया। तो अभी हम लोगों को स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये वायरस अभी चेंज हो गया है एंड तेज़ी से फैल रहा है, उनको अवेयर कीजिए लोगों को, एंड मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, हैंड को सैनिटाइज कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, एंड फूड, मेन थिंग फूड, आप विटामिन सी एंड विटामिन ई, इसको डाइट में स्ट्रिक्टली पर डे आप जैसे भी करके आप मिनिमम जो अमाउंट है विटामिन सी का, मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ सब कुछ, तो उसी को फॉलो कीजिए। यही था वीडियो। वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।